एक बार एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो बोझा ढोने में उसकी मदद करता था। वो अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और अक्सर पेट भर खाना भी नहीं देता था उसको। बेचारा गधा बहुत दुखी और कमजोर हो गया था। एक दिन धोबी जब नदी पर अपने कपड़े धोने गया, गधा किनारे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक गीदड़ निकला। उस गीदड़ ने दुखी गधे से कहा, अरे प्यारे गधा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है और पीटता रहता है, वो रहा। वो जल्द ही वापस आएगा और ढेर सारे कपड़े मुझ पर ला देगा। अरे बेचारा गधा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना ढूंढना भी सिखाऊंगा। सच में सब लोगों के बगीचे में हम दोनों के लिए बहुत सारा भोजन है। ये कहते हुए गीदड़ ने गधे की रस्सी खोली और दोनों वहाँ से भाग गए। कुछ समय के बाद गधा और गीदड़ किसी दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ उन्हें गोभी और गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई दिया। वाह, वो तो देखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। कितनी प्यारी और सुहानी रात है, मेरा दिल गीत गाने के लिए बेकरार हो रहा है। अगर हम शोर मचाएंगे तो मालिक हमें पकड़ लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी और के आदेशों का पालन करने के लिए मैं अपने घर से नहीं भागा था, यहाँ तक कि तुम्हारे भी नहीं। गीदड़ को गधे पर दया आ गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मेरे भाग जाने से पहले तुम गाना मत शुरू करना। ठीक है, फिर मिलेंगे। गीदड़ भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। जब गीदड़ आँखों से ओझल हो गया तो उसने रेंकना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक ने घर से बाहर निकलकर गधे को खूब पीटा। मेरी गाजर खाता है, ये ले और ले और ले, ये ले दोस्त गधे। अरे, जब गधा बेहोश हो गया उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसे मत मारो, हम उस पर अपने बर्तन लादकर रोज बाजार जा सकते हैं। तो पति बोला, ये अच्छा ख्याल है, और उसने उसके बाद बेहोश गधे के गले पर फंदा बांध दिया और वो बेचारा दोबारा गुलाम बन गया। शिक्षा: बेवकूफी का कोई भी इलाज नहीं होता।